वैलिड रिलेशन नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? रिलेशनल अलजेब्रा में रिलेशन का फर्स्ट अटोमिक होना जरूरी है। वैल्यूज आर अटोमिक, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दैट इज के मल्टी वैल्यू और कंपोजिट नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको? किसी को डाउट है इस पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में, रिलेशन के फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पॉइंट में, प्रॉपर्टी में? नो सर नहीं। ओके, सेकंड पे आते हैं, कॉलम वैल्यूज आर ऑफ द सेम काइंड। इसका मतलब कि एक कॉलम जो है वो एरे की तरह होना चाहिए, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज, उसमें सेम टाइप की वैल्यू। अगर फर्स्ट नेम है तो हमें पता है वो कैरेक्टर टाइप का है, तो सारी वैल्यूज कैरेक्टर ही होंगी, राइट? अगर हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो वो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही, डेट टाइप की वैल्यूज ही आनी चाहिए। मतलब वन कॉलम कंटेन ओनली सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू, जो कि हम करते ही हैं जब हम टेबल बनाते हैं MySQL में। अगर हम टेबल बनाते हैं तो हम उसमें डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, तो डेटा टाइप डिफाइन करना मतलब वो उस कॉलम की कॉलम को डिफाइन कर रहा है कि इसमें इसी टाइप की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज नहीं आएंगी, राइट? तो दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ईच रो इज यूनिक, हर रो यूनिक होनी चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए इन केस ऑफ रिलेशन। देखो जनरली आप टेबल बनाओ और उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज डाल दो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर यूनिक करने के लिए आप क्या करोगे? तो उसके अंदर एक प्राइमरी की हो, उसके अंदर एक ऐसा कॉलम हो जो प्राइमरी हो, जिसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर पाओ सेकेंड रो को, क्योंकि आप रिपीट वैल्यू रखोगे पर प्राइमरी की अपने आप में एक कंस्ट्रेंट है, कंडीशन है जो कहेगा कि भाई आप रिपीट वैल्यू नहीं रख सकते, राइट? क्लियर है? तीनों पॉइंट्स क्लियर है? बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको एकदम वैसे ही समझ में आ गया होगा। कोई डाउट? तीन पॉइंट्स में कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ओके, द सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट। आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, टेबल में कॉलम्स का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। आप रोल नंबर ले रहे हो पहले, फिर रोल नंबर, नेम, मार्क्स, मार्क्स, रोल नंबर, नेम, कुछ भी ले सकते हो। ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। आप वैल्यू इंसर्ट और क्या कहते हैं, इंसर्ट ऑपरेशन जब आप करोगे तो आप उसी तरह से जिस ऑर्डर में आपकी वैल्यू उसी ऑर्डर में वैल्यू डालोगे, पर उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब आप रिट्रीव कर रहे हो। रिट्रीव आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, राइट? कर सकते हैं, यस और नो? क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइएगा। यस सर, कर सकते हैं। ओके, सीक्वेंस ऑफ रो इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट। रोज, फर्स्ट रो पहले है, सेकंड रो बाद में है, सेकंड रो पहले है, फर्स्ट रो बाद में, उसका कोई मतलब, रोल नंबर 10 भी मैं पहले रख सकता हूँ, 1 भी पहले रख सकता हूँ, तो रोज का आगे पीछे होना कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, राइट? जब तक आप उसे ऑर्डर बाय नहीं करते। ऑर्डर बाय कमांड है जिसके थ्रू आप सॉर्टिंग करते हो, तो अगर आप सॉर्टिंग कर रहे हो दैट कैन बी अप्लाइड आफ्टर दैट, ठीक है, पर बाय डिफॉल्ट रोज का सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कॉलम का सिग्निफिकेंस नहीं होता है। दीज आर बेसिक एट्रीब्यूट्स। और जो कॉलम के नेम है यूनिक, क्या एक ही नाम एक से ज्यादा कॉलम को दे सकते हो आप? नहीं। एक टेबल के अंदर एक से ज्यादा, मतलब आपने नेम नेम दो नाम दे दिए, दो नाम के टेबल आप दे नहीं सकते, तो हर कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए। दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, ठीक है। एक टेबल की प्रॉपर्टीज अगर आ जाता है, कोई पूछ लेता है आपसे, देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि अब एग्जाम नहीं हो रहा है, अगर हम वो बात करें कि आपका इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो कोई पूछ सकता है अच्छा रिलेशन किसे कहोगे? मैंने जस्ट आपको एक रिलेशन बना के दिखाया और बोला कि क्या ये रिलेशन है, तो उस रिलेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। अगर होल्ड हो रही हैं तो रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है, राइट? जस्ट एक एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं, न्यू सर। जैसे आपने वो बताया था स्क्रीन, एक मिनट, क्या स्क्रीन आपको एक्सेल शीट दिख रही है, राइट? यस सर। ओके, अब आप पूछ रहे थे, कुछ पूछो सर। मैं जैसे आपने बताया था, मतलब कॉलम इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, मतलब पहले कोई भी लिख सकते हैं हम, हाँ, जैसे प्राइमरी की वाला कॉलम हम मिडल में लिख रहे हैं या लास्ट, बिल्कुल 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 लिख सकते हो आप किसी भी कॉलम को, ऑर्डर मैटर नहीं करता सर, हाँ, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। मैंने कोई प्राइमरी की नहीं बताई अभी, ठीक है, मतलब जब तक हम टेबल नहीं बना रहे हैं, जब तक कंस्ट्रेंट नहीं बता रहे हैं, तब तक कोई प्राइमरी की नहीं है, ये चीज आप समझिएगा।
थोड़ा सा अपने कुछ क्या ये जो टेबल है आपकी ये रिलेशन की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है यस और नो? अगर मैं आपसे कहूं कि आप विजुलाइज करो राइट कि जो आपको एक टेबल दिख रही है क्या ये टेबल एक रिलेशन की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है यस और नो? अगर मैं आपसे किससे पूछूं, नाम ले लेते हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा। अफजल आप बताइए क्या ये रिलेशन की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है यस और नो? यस सर, ओके यस सर कर रहा है। एक और वैल्यूज हम कॉपी करते हैं। अब ये रिलेशन वैलिड है, कौन सी प्रॉपर्टीज को ये होल्ड नहीं कर रहा है? अफजल कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है? मतलब अरे इस कॉलम यूनिक नहीं है, मतलब रिकॉर्ड मतलब डबल वो ईच रो रिडंडेंसी हो गई है सर, डबलिंग हो गई है। हाँ यस सर, ईच रो इज यूनिक ना, वो वाला एट्रीब्यूट है, मतलब डबल हुई ना सर, यूनिक। हाँ 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 वही कह रहा हूँ मैं, आप जो कह रहे हो वही कह रहा हूँ कि हर रो यूनिक होनी चाहिए, पर ये जो निशांत वाली रो है वो डुप्लीकेट हो गई है, डुप्लीकेसी हो गई है, तो इस वजह से ये अब रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं लाइक सिटी और सिटी। एक और कॉलम मैंने बनाया सिटी, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने सिटी कॉलम इंट्रोड्यूस किया तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एक टेबल नहीं है। सही है, गुड इनफ। तो ये रिलेशन की प्रॉपर्टीज में किसी को डाउट नहीं है राइट? एनीवन? नो सर। अगर मैं लिख दूं लाइक दिल्ली वन, मान लीजिए बाकी सही है, सिटी अब बताना। हाँ, इज दिस होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन? कौन बताएगा? एक मिनट रुको, वेट, नाम देख लेते हैं, किसी का नाम ले लेंगे तो वो ज्यादा बेटर होता है राइट। आदित्य, आदित्य हो आप? आदित्य अरुण अनम्यूट कीजिए। नो, आदित्य सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। नो, कोई बात नहीं। गौरव, हर्ष, कुणाल, कोई भी नहीं बता पा रहा, फिर क्या फायदा? सर है सर, कोई नहीं पता सर, सर यूनिक है। वेट, हाँ यूनिक है बिल्कुल, दिस इज अ रिलेशन बेसिकली। ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है यहाँ तक, पर बता नहीं पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। इन केस अगर आप खुद ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो रिस्पॉन्ड तो कीजिए। जैसे कॉलम और रो दोनों यूनिक होनी चाहिए, मतलब सेम नेम या सेम कॉलम नहीं, कॉलम में सेम नेम हो सकता है, रो में कॉलम का नाम, कॉलम में नाम सेम नहीं हो सकता, कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए और रोज जो है डेटा आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर, ठीक है ना, जैसे भाई दो सेम नाम के कॉलम आप नहीं बना सकते ना सर। जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया था, जैसे उसमें आपने सब चीज सेम ली थी, अगर हम नेम की जगह उसमें कोई और नेम डाल देते बाकी चीजें सब सेम रहती तो वो तब भी रिलेशन होता सर। जैसे आपने इसी को नीचे कॉपी करा था, मैं कह रहा हूँ जैसे यहाँ पे नेम की जगह, बिल्कुल अगर यहाँ पे रिलेशन, अच्छा अभी है सर, अभी भी रोल नंबर मैं सर रोल नंबर मैच कर रहा था, वो नहीं होगा ना अभी, नहीं अभी भी है क्योंकि अभी भी नेम एक यूनिक है। बात ये अभी आपने प्राइमरी को डिफाइन किया नहीं ना, आप समझो, आपने को ये थोड़ी बता रखा है रोल नंबर यूनिक है प्राइमरी है राइट सर। अभी अगर हम प्रॉपर अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी हमारा नेम यूनिक वैल्यूज को होल्ड कर रहा है, तो रिलेशन की प्रॉपर्टी में ये कहा था कि एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो यूनिक वैल्यूज को होल्ड करता है। तो हाँ एक कॉलम ऐसा है अभी भी,
इन केस आप अज्यूम कीजिए, मान लो मैं ये और एक और वैल्यू डाल देता हूं और यहां पे मान लो 6 लिख देता हूं, राइट। इज दिस नाउ, अब ये वैलिड है? अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इसमें ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जो यूनिक है। कोई भी एक ऐसा कॉलम है जो यूनिक है? यस और नो? नो सर। क्योंकि देखो रोल नंबर भी रिपीट हो रहा है, नेम भी रिपीट हो रहा है, मार्क्स तो रिपीट हो सकते ही हैं, एड्रेस भी रिपीट हो रहा है फिलहाल के केस में। सर यहाँ पे आपने ये जो रोल नंबर तो सर रिपीट नहीं हो रहा। क्यों? 55 देखो। नहीं नहीं सर, 55 के नीचे भी तो है, 6 है ना सर, अमित 6। तो रिपीट तो हो गया। एक भी वैल्यू अगर रिपीट हो गई तो मतलब यूनिक नहीं है ना। पूरे रोल नंबर को देखो, रोल नंबर मतलब उस कॉलम की बात कर रहे हैं। क्या वो कॉलम यूनिक है? क्या उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू यूनिक है रोल नंबर वाला? अच्छा, नहीं ना, रिपीट हो गई, ठीक है सर। हाँ, अगर पूरे रिलेशन में एक भी ऐसा कॉलम नहीं है, पूरे रिलेशन में एक भी ऐसा कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता जो यूनिक है, तो वो रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर एक कॉलम एग्जिस्ट करता है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये प्राइमरी बन जाएगा जिसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो फिलहाल नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया? इस टाइम पर नहीं है ना, तो आप उसी स्टेट की तो बात करोगे जब आपको टेबल में डेटा दे रखा है और आपको ये नहीं बताया कि प्राइमरी की है या नहीं, तो आप उसी स्टेट से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस स्टेट पे ये रिलेशन है या नहीं। ठीक है, बाकी आप प्राइमरी की लगाओ, ये तो वो कह ही रहा है एज ए प्रॉपर्टी, उसने तो आपको बताया कि भाई कॉलम्स कॉलम वैल्यूज आर सेम काइंड, ये तो आप होल्ड कर रहे हो, वैल्यू से ही तो पता चलेगा ये चीज। ईच रो इज यूनिक, हर रो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब एक ना एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो आइडेंटिकल ना हो, राइट? एटलीस्ट एक कॉलम ऐसा हो जो पूरे में यूनिक हो। इस लाइन का मतलब यह है कि एक प्राइमरी की होना चाहिए, हो ना हो पर होना चाहिए, रिलेशन तभी कहोगे आप उसे, वरना रिलेशन नहीं कहोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। यस सर, इसके इसमें नेम हो गया एक तरीके से हमारा यूनिक कॉलम। अभी तक था, अब कोई नहीं है क्योंकि अब सब रिपीट हो रहा है, तो ये रिलेशन है ही नहीं। अभी नहीं है, अब नहीं है क्योंकि सर अमित भी रिपीट हो रहा है, रोल नंबर भी रिपीट। बिल्कुल। और अगर आप यहाँ से ये हटा देते हो तो रोल नंबर भी है और नेम भी है, दोनों ही आपके यूनिक है, तो आप कोई भी एक प्राइमरी की बना सकते हो। अगर मुझे प्राइमरी की बनाना है तो मैं प्रिफर करूंगा किसको? रोल नंबर को। क्यों? क्योंकि रोल नंबर यूनिक होगा। दिस इज ए एक्स्ट्रा की दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन, जो आपका इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उसके थ्रू प्रोवाइड करा जा सकता है। नेम आप चेंज नहीं कर सकते ना, दो अंकित आ गए आप कह रहे हो कि भाई नहीं नाम चेंज कर दो आप अपना, या ऐसा नहीं हो सकता। तो आप एक एक्स्ट्रा की प्रोवाइड करते हो जिसे हम प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, बेसिक जाते अगर हमने इसी मतलब अगर हमने एक टेबल बनाया सर, उसमें हमने रोल नंबर को प्राइमरी की माना है। बिल्कुल। अगर हम अगर हमने उसके अंदर सेम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब सेम रोल नंबर से डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो सर उसमें इंसर्ट होगा डेटा? एरर आ जाएगी। एरर आ जाएगी। बिल्कुल, यू कांट रिपीट वैल्यू, उसके अंदर रिपीट वैल्यू हो ही नहीं सकती। प्राइमरी की अगर आपने लिख दिया तो आप वैल्यू डाल ही नहीं सकते, पहली चीज तो ये है। ठीक है, ओके। और ट्राई करिए बना के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, दूसरी चीज आपका पॉइंट क्या है कि आप जब आप बात करते हो एक टेबल, तो देखो टेबल और रिलेशनल एलजेब्रा के हिसाब से टेबल जो आप बात कर रहे हो रिलेशनल मॉडल की, तो रिलेशनल मॉडल कहता है कि भाई टेबल्स तो आप बना सकते हो, पर एक आरडीबीएमएस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, एक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, आप टेबल नॉर्मल बना सकते हो बिना प्राइमरी की के। वॉइस ब्रेक हो गई थी सर अभी कुछ। ओके, तो वैल्यूज मैंने कहा कि ये जो मैंने बताई हैं, ये प्रॉपर्टीज बताई हैं ऑफ अ टेबल, एक टेबल की प्रॉपर्टीज होंगी। अब वो प्रॉपर्टीज कब होंगी? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, क्लियर है? ऑल गुड? ओके, यस सर, यस सर। आगे चले? गुड, यस। अब हमारे आते हैं कॉर्ड रूल्स। कॉर्ड एक पर्सन है,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके एक्सटर्नल जब आप इंटरव्यू देते हो कंपनीज का तो उसमें आपसे पूछा जाता है व्हाट आर कॉर्ड रूल्स, 12 रूल्स हैं आपके पास, ये कॉर्ड रूल हैं क्या, सबसे इंपॉर्टेंट देखो कॉर्ड रूल कहता है कि अगर आप ये 12 रूल्स इंप्लीमेंट करते हो तो आपका जो डेटाबेस सिस्टम है वो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम बन जाएगा। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के लिए आपको ये 12 रूल्स फॉलो करने हैं। कोई भी बेस्ट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम जो होगा वो इन 12 कैटेगरीज को, इन 12 रूल्स को फॉलो कर रहा होगा। क्या कहता है कॉर्ड, कॉर्ड जो है वो रिसर्चर था, साइंटिस्ट था, उसने रिलेशनल डेटा मॉडल जो है वो डेवलप किया है, तो उसने कुछ 12 रूल्स डिफाइन कर दिए। उसने कहा कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, कोई भी DBMS हो, अगर वो ये 12 रूल फॉलो करता है, ठीक है, तो वो एक रिलेशनल, एक परफेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, अदरवाइज वो RDBMS कहलाने लायक नहीं है। तो ये 12 रूल्स पे ही आपका पूरा Oracle और MySQL सबके सब इन्हीं 12 रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर ये 12 रूल आपके फॉलो नहीं हो पा रहे हैं तो भी उसने कहा कि फर्स्ट सिक्स रूल्स अगर आप फॉलो कर पा रहे हो तो भी यू आर RDBMS, पर अगर आप 6 रूल्स फॉलो नहीं कर पाते तो आप RDBMS नहीं है, ठीक है। तो RDBMS के क्या रूल्स हैं, सबसे पहला रूल क्या कहता है, इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन रूल का मतलब क्या हुआ कि आपने जो डेटा है वो स्टोर करा, उसे आप एक्सेस कर पाओ, सॉरी द रूल सिंप्लीफाई रिक्वायर्स दैट ऑल डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन टेबल फॉर्म। इंफॉर्मेशन रूल जो कह रहा है वो कह रहा है कि सारा का सारा डेटा आपकी टेबल फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, टेबल फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट एक टेबल बनाते हैं, समझिए इसे जरा, थोड़ा सा समझना जरूरी है। आपने एक टेबल क्रिएट की, जब आप SQL क्रिएट करते हो तो आपने एक स्टूडेंट नाम की ही टेबल बनाई जिसमें कुछ फील्ड्स थे, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, तीन ही चीजें रखते हैं, 1, 2, 3, ए बी सी, 90, 92, 93। ये आपने एक टेबल क्रिएट की, हमने कहा कि पहली चीज कि जो भी डेटा हो वो टेबल की फॉर्म में स्टोर हो, यही कहा, इंफॉर्मेशन रूल इज सेइंग दिस ओनली। पर साथ साथ देखो यहां पे आपने जो डेटा आप रख रहे हो वो क्या है, अबाउट अ स्टूडेंट, दिस इज पर जो टेबल के बारे में डेटा है वो भी टेबल फॉर्म में होना चाहिए। टेबल के बारे में डेटा मतलब इसे हम कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। अब डेटा हमारा, देखो डेटा हमारा क्या है, स्टूडेंट की डिटेल्स, मेन तो हमारा फोकस इस पे है कि भाई रोल नंबर नेम मार्क्स रखने हैं हमने सारे स्टूडेंट के, ये तो हमारा डेटा हो गया। अब इस डेटा के बारे में भी डेटा है, वो क्या है कि भाई एक स्टूडेंट टेबल बनी, टेबल का नाम स्टूडेंट आ गया, जिसके फील्ड्स क्या हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये भी टेबल फॉर्म में स्टोर हो, इनका डेटा टाइप इंट, कैर, इंट, साइज 11, 20, 11, कंस्ट्रेंट्स, प्राइमरी की, नॉट नल, नॉट नल, तो ये भी आपका टेबल फॉर्म में अगर स्टोर हो रहा है, यानी कि जो टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो टेबल के एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, एट्रीब्यूट मतलब रोल नंबर, नेम, मार्क्स, इनके बारे में, इनके डेटा टाइप के बारे में, इनके कंस्ट्रेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो स्टोर करेगा वो भी टेबल फॉर्म में ही, रिलेशन फॉर्म में ही स्टोर हो रही है। इसी वजह से हमने कहा था कि कॉलम का नाम यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अज्यूम करें यहां पे जो आपका कॉलम नेम, कॉलम करके एक लिस्ट होगी, कॉलम के नाम की, ये प्राइमरी की है तो इसमें ये रिपीट नहीं हो सकते, डेटा टाइप कैन बी रिपीट और ये रिपीट, राइट। कंस्ट्रेंट कैन बी नॉट नल, मतलब उसमें सॉरी नल कैन बी नल, राइट, क्लियर है, गुड, फर्स्ट रूल इज क्लियर, हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं, हम प्रोग्राम में करते हैं, क्योंकि हम तो एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, MySQL, MySQL इनको फॉलो कर रहा है, तो हम जब अपना प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम एक कमांड देते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट और दीज फील्ड्स, तो वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रहा है, हमारा जो डेटा है
वो स्टोर होता है SQL के अंदर इन फॉर्म ऑफ टेबल्स ओनली. द फर्स्ट रूल सेइंग कि आपका जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म में, रिलेशन की फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, नथिंग एल्स. दिस इज द बेस ऑफ योर रिलेशनल मॉडल. सेकेंड रूल पे चलें. फर्स्ट रूल में किसी को डाउट है तो पूछिए. नो सर. ओके, गुड इनफ. नो सर. सेकेंड रूल पे आ जाते हैं. सेकेंड रूल इज सेइंग गारंटेड एक्सेस रूल. गारंटेड एक्सेस रूल मतलब ये कहता है कि प्राइमरी की हो. मतलब इन शॉर्ट वन लाइन में आप ये कह सकते हो कि इसमें हर टेबल के पास प्राइमरी की होना जरूरी है, जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ किसी रो को. अगर मुझे कोई पर्टिकुलर रो या कोई कॉलम का डेटा एक्सेस करना है तो वो यूनिकली हो. राइट, एक मिनट. हाँ, क्या हुआ, हर्ष चले गए? सर इनका आना जाना लगा रहता है. ना वो कोई बात नहीं, ठीक है. हाँ, तो गारंटेड एक्सेस रूल क्या कहता है भाई कि एवरी डाटा इन रिलेशनल, ये तो गंदा वाला लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ लिखा है, ऑल डेटा शुड बी एक्सेसिबल विदाउट एम्बिग्युटी. मतलब बिना किसी कंफ्यूजन के आप किसी भी डेटा को एक्सेस कर पाओ. अगर मुझे कहना है कि एक रोल नंबर 30 का मुझे मार्क्स पता करने हैं एक स्टूडेंट में, एक स्टूडेंट टेबल है, उस स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर 30, रोल नंबर 30 के मार्क्स मुझे पता करने, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, राइट? यस सर. तो क्योंकि मेरे पास रोल नंबर है, अगर रोल नंबर ही ना होता और मैं नेम के बेस पर आइडेंटिफाई करता तो हो सकता है दो अंकित हैं, तो मुझे एम्बिगुअस डेटा मिल गया. अगर मैं एक्सेस कर रहा हूं तो मुझे कैसा डेटा मिल रहा है, एम्बिगुअस डेटा. एम्बिगुअस मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये डेटा किसका है, ये कौन सा अंकित का है. दो अंकित हैं और दोनों अंकित के मार्क्स आ गए 19, एक के 90, एक के 40. अब मुझे नहीं पता मैं इस अंकित को क्या कहूं जो मेरे आगे खड़ा है, राइट? तो वहां पे एक यूनिक कॉलम हर टेबल में रिक्वायर्ड है. दैट इज सेइंग लाइक रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में कोई डाउट है किसी को? नो सर. नो सर. गुड. ओके, रूल नंबर 3 पे चलते हैं. सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू. आई एम सेइंग नल वैल्यू, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. नल वैल्यू आपकी क्या होती है? एक ऐसी वैल्यू जो स्पेशल है, जो आप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, जहां पे आप ये कहते हो मिसिंग इंफॉर्मेशन, आपने उस कॉलम को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. Yes, जैसे sir. जब आप एक स्टूडेंट की एंट्री करोगे, मतलब रजिस्टर करोगे, क्या आप उसके मार्क्स भी फाइनलाइज कर दोगे? नहीं. तो दैट इज नल वैल्यू, इनिशियली मार्क्स कंटेनिंग नल. जब वो इंसर्ट होगा, जब उसका टेस्ट होगा, इवेल्युएट होगा, तब उसके मार्क्स अपडेट होंगे. तो दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू इज रिक्वायर्ड फॉर RDBMS. कोई भी RDBMS है उसे नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, उसे पता होना चाहिए जीरो और नल वैल्यू इज डिफरेंट. ठीक है, आप ब्लैंक ले लेते हो, आप स्पेस लेते हो, आप सोचते हो कि आपने स्पेस रखा है, स्पेस और नल वैल्यूज इज डिफरेंट, जीरो और नल वैल्यू इज डिफरेंट. तो इनमें डिफ्रेंशिएशन आपके RDBMS अगर ने कर रखा है, मतलब नल के लिए एक स्पेशल कीवर्ड आपको डिफाइन करके दिया हुआ है, NULL. आप C में भी आपने पढ़ा होगा, C लैंग्वेज में null कैपिटल लेटर में लिखते हो, दैट इज ट्रीटेड एज मैक्रो, राइट? C++ में भी सेम है, जावा में null स्मॉल लेटर में है, MySQL में आपके पास कैपिटल स्मॉल, आप कैसे भी लिखो, null वैल्यू इज null. ठीक है, तो अगर आप ट्रीटमेंट ऑफ null वैल्यू डिफाइन करते हो तो यू आर गुड फॉर RDBMS. थर्ड फेज पे अगर हम फोर्थ रूल पे अगर हम आते हैं, तो डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये क्या कह रहा है? क्या हुआ बच्चा? क्या मेरा बेटा देखना पड़ेगा, रुको वेट, चल लाया हूं. एक मिनट. Yeah, ले जाओ.
तो ये तो नहीं रहा। नहीं है बेटा वो नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो सिस्टम कैटलॉग सिस्टम कहता है कि भाई आपने जो टेबल्स क्रिएट किए हैं, जो डेटाबेस क्रिएट किया है, उनके बारे में भी कलेक्शन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब आपको पता हो कि आपके डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं। अगर आपको वो इंफॉर्मेशन पता करनी है तो उसके लिए भी आपके पास कैटलॉग बना हो, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स। अगर भाई आपने टेबल क्रिएट कर दिया, अगर आपको कुछ टाइम बाद देखना है कि हमारे पास हमारी टेबल में कितनी टेबल्स हैं, कितने कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, तो दैट कैन बी एक्सेस, दैट कैन बी मैनेज्ड बाय योर आरडीबीएमएस। समझ में आ गया? जैसे MySQL में DESC एक कमांड होती है, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब कमांड किसके लिए यूज होती है? अगर आपको देखना है, हाँ बताइए सर, वो स्ट्रक्चर देखने के लिए कि हमने क्या क्या कॉलम्स है, क्या रोज है। बिल्कुल, तो MySQL सपोर्ट करती है आपको ये कमांड, जिसका यूज करके आप अपनी एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को देख सकते हो। Yes, sir. देखोगे तभी तो आपको उसे यूज करना आएगा। अगर आपको मॉडिफाई भी करना है तो आपको पता तो होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। Yes, sir. अभी तो एक टेबल है, अगर बहुत सारी टेबल होंगी तब तो। दिस इज समहाउ योर फोर्थ रूल। नाउ फिफ्थ रूल, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। द डेटाबेस मस्ट सपोर्ट एटलीस्ट वन क्लियरली डिफाइंड लैंग्वेज। ये कहता है कि ऐसा ना हो कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने बना दिया पर डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए किसी को प्रोग्राम लिखने पड़ रहे हैं। हाँ ओके ओके, अब चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, तो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल मतलब कि आपकी जो डेटाबेस बनाया है आपने, उससे इंटरेक्ट करने के लिए आपके पास एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपकी सारी फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करे, जिससे आप मैनिपुलेट कर पाओ, डेटाबेसेस क्रिएट कर पाओ, अपने जो रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें अप्लाई कर पाओ। अगर वो कर पाते हो तो उसके लिए एक लैंग्वेज जो जनरली हम यूज करते हैं, दैट इज SQL। SQL एक लैंग्वेज है जो सपोर्ट की जाती है डिफरेंट RDBMSs। RDBMSs कौन कौन से हैं? वो हमारे पास है MySQL, वो भी SQL का कुछ वेरिएशन के साथ इम्प्लीमेंट करती है। Oracle SQL को ही यूज करती है विथ सम वेरिएशन। तो जो हम पढ़ते हैं वो MySQL में अगर हम रन कर रहे हैं तो वो SQL का ही वर्जन है, राइट? तो देयर इज अ सम लैंग्वेज, लैंग्वेज होना कंपलसरी है। अगर आप लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करोगे तो वो RDBMS नहीं कहलाएगा। इतना फाइव रूल्स हमारे क्लियर हैं, राइट? यस सर। ओके, किसी को डाउट है यहां तक? सर एक बार सेकंड रूल समझा दीजिए। सेकंड रूल कहता है कि आप किसी भी कॉलम के बेस पे अपनी टेबल में से डेटा जब एक्सेस करने की बात कर रहे हो तो आपको यूनिक टेबल मिले, यूनिक डेटा मिले, जो आप चाहते थे वही मिले। तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि आपके टेबल में एक प्राइमरी की होना जरूरी है, ठीक है। तो मतलब मान लो मैं एक टेबल में से एक कॉलम के बेस पे एक वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहा हूं, और जैसे मैंने कहा था कि अंकित का मुझे मार्क्स पता करने, पर हमारी क्लास में मान लो तीन अंकित हैं, तो मैं लिखता हूं अंकित के मुझे मार्क्स बता दो, तो क्या लिखूंगा? सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज अंकित। तो मुझे कितने मार्क्स मिल जाएंगे आउटपुट में? 3। अब कोई अंकित मेरे आगे खड़ा है, वो कह रहा है मुझे मेरे मार्क्स बता दो, तो अगर मैं उसके नाम से सर्च करूंगा तो मुझे 3 मार्क्स मेरे सामने आ रहे हैं। वो मार्क्स कौन से वाले इस अंकित के, मुझे तो नहीं पता ना। नो सर, दो That output is ambiguous, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पर अगर उसे यूनिक कर पाते हो, आप यूनिक करने की फैसिलिटी है, यानी कि आप जो एक्सेस कर रहे हो वो किस बेस पे कर रहे हो? टेबल नेम और प्राइमरी की। टेबल नेम और प्राइमरी की के थ्रू आप अगर एक्सेस करते हो, मतलब मेरे पास रोल नंबर होता तो मैं पूछता अंकित आपका रोल नंबर क्या है, वो बताता मुझे 35, तो मैं 35 वाले अंकित का मार्क्स आपको बता देता, तब मुझे एक यूनिक वैल्यू मिलती, और जो वो यूनिक कॉलम की वैल्यू मुझे मिलती मैं उसे बता देता भाई तुम्हारे ना मार्क्स है 40। क्लियर है? अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। सर एक बार फोर्थ भी समझा देना, डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग। डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड सिस्टम का मतलब कि हमारे पास
एक कैटलॉग हो कि जो टेबल्स आप बना रहे हो उन्हें भी हम एक कैटलॉग की फॉर्म में स्टोर करके रखें, ताकि जब किसी को एक्सेस करना हो तो उसे पता हो हमारे एक डेटाबेस में कितनी टेबल्स बनी हुई है। ठीक है, सारी की सारी टेबल की इंफॉर्मेशन उनके शो टेबल कमांड होती है ना, शो टेबल्स करके MySQL में, नहीं दीज आर कमांड, समझो ये कमांड्स बनाई किस पर्पस से, इन्हीं रूल्स के बेस पे बनाई है। ठीक है, जैसे आप जो कह रहे हो शो टेबल करके कमांड होती है, वो इसी रूल की वजह से बनाई है, फोर्थ रूल की वजह से। DESC डिस्क्राइब जो कमांड है वो इसी की वजह से बनी है, कि अगर मुझे स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए कोई कमांड है मेरे पास, अगर है तो मैं फोर्थ रूल कंप्लाई कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इसे इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाऊंगा। राइट, तो हर रूल के हिसाब से कुछ चीजें डिफाइन करी होंगी किसी भी लैंग्वेज में। तो SQL के अंदर जितने भी कमांड्स बनी हैं, जितनी भी चीजें बनी हैं, जैसे इसने कहा देखो सेकंड रूल के हिसाब से क्या डिफाइन किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि भाई हमें एक प्राइमरी की देना जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्राइमरी की जैसी कोई चीज नहीं बनाएंगे तो हम किसी भी टेबल से यूनिक नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सेकंड रूल पे उसने एक चीज जोड़ दी प्राइमरी की। फर्स्ट चीज उसने कहा भाई टेबल से रिलेटेड कमांड बना दो जिसमें टेबल आए, लाइक क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, इनसे टेबल बनती है, बनती है ना, जिनमें क्रिएट टेबल। आवाज आ रही है मेरी अभी, आप ही को नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है सर, बीच में काफी ज्यादा कट गई थी सर, आपको RSS का नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ, सर आ रही है। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ, वो तो कोई बात नहीं है, ठीक है फिर भी। तो देखो टेबल से रिलेटेड जो कमांड्स हैं, जैसे जैसे कौन कौन से टेबल से रिलेटेड कमांड होती है, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल, ये तीन कमांड जो है हमारी ये आपकी टेबल से रिलेटेड है, जो टेबल क्रिएट करने के लिए, टेबल डिलीट करने के लिए, टेबल मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है। तो इंफॉर्मेशन रूल क्योंकि कहता है कि हमें सारा का सारा डेटा टेबल में रखना है, तो इसलिए इसने टेबल वाली कमांड्स क्रिएट कर दी। आप टेबल क्रिएट करोगे उसका इंटरनल डेटा भी टेबल की फॉर्म में ही स्टोर होगा। ठीक है, गुड इनफ। तो यहां तक फाइव रूल्स क्लियर है, फाइव रूल्स तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, सबके लिए क्लियर है? यस और नो? यस सर, यस सर, गुड। अब नेक्स्ट क्लास में कल है हमारी क्लास, कल सुबह 9 बजे, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम बाकी 12 रूल्स देखेंगे, बाकी जो बचे हुए रूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अटेंडेंस आप जैसे लेते हो वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है सर? लिंक पे ऐसा लगा देते अटेंडेंस। हाँ लिंक तो है ही ना, शायद वहाँ पे अटेंडेंस लगा दीजिए। यस सर, लगा दिए सर। अच्छा लगा दिया ना, तो एक मिनट चुप हो जाओ। नहीं बेटा नहीं हुई अभी, रुको, वेट, 1 मिनट में हो जाएगी। किसी को डाउट है? किसी के भी मन में डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं। तो कल हम बाकी क्लास करेंगे, ठीक है, बाकी के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एक बार, क्योंकि ये आपकी उस पे तो पढ़े हुए ही हैं, क्या नाम है, क्लासरूम में अवेलेबल नोट्स हैं, जस्ट गो विद दैट, एक रीड मार लेना, 5 तक के पॉइंट्स पढ़ लेना और रिलेशन के टेबल्स एक बार, रिलेशन के जो प्रॉपर्टीज थे उन्हें भी एक बार देख लेना, रीड कर लो, याद करने की अभी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए क्या क्या था, अगर कोई डाउट आता है वी विल एक्सप्लेन अगेन। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। अरे एक वो था डाउट। हाँ बोलो ना। जैसे अगर हम किसी टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, लाइक हमारे पे टेबल में 3 कॉलम है, अगर हम 2 कॉलम की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं और तीसरी कॉलम की वैल्यू मैंने इंसर्ट नहीं करी, तो उस जगह पे सर नल वैल्यू जाएगी कि जीरो वैल्यू जाएगी? देखो नल जाएगी। एक मिनट, जैसे आपने कहा कि आपने ये टेबल बनाई रोल नंबर नेम मार्क्स वाली, राइट? यस सर। आप मुझसे कह रहे हो इसमें 3 रिकॉर्ड्स आपने इंसर्ट किए, 1 2 3, नेम ए बी सी, और मार्क्स आपने इसमें डाले 90, 23 और ब्लैंक, यही क्यों? सही कुछ कर रहे हो। तो इसमें बाय डिफॉल्ट नल जाती है, बाय डिफॉल्ट अगर आप इसकी वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो नल जाएगी, इसे मिसिंग वैल्यू को नल वैल्यू कहते हैं। पर वेरिएशन क्या है कि हो सकता है आपने रोल नंबर, नेम और मार्क्स जब आपने टेबल क्रिएट की तो इसके साथ डेटा टाइप बताया होगा, यस और नो? बताया, कैरेक्टर बताया होगा,
यहाँ पे भी बताया होगा, और साथ में डिफॉल्ट वैल्यू का ऑप्शन होता है जब आप टेबल बनाते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू का भी ऑप्शन होता है। मान लो आपने डिफॉल्ट वैल्यू जीरो कर दी तब नल नहीं आएगा, तब अगर आप इस कॉलम को छोड़ दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने असाइन की हुई है वो इनिशियलाइज होगा। तो अगर ये डिफॉल्ट वैल्यू जीरो आपने रखी होगी तब यहाँ पे जीरो वैल्यू आएगी, राइट? समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो जैसे आप क्लासरूम में भी देखते हो तो आप लोगों ने जो अभी मार्क्स सबमिट किए हैं तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है, तो अगर मैं आपके मार्क्स डिफॉल्ट वाले चढ़ा दूं तो आपके जीरो चढ़ जाएंगे, डिफॉल्ट वैल्यू को सेट नहीं है, राइट? तो अगर डिफॉल्ट वैल्यू जीरो की जगह नल, अगर डिफॉल्ट वैल्यू आप डिफाइन नहीं करते हो तो नल होता है। मतलब अगर जीरो चाहिए तो सर हमें डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको जीरो चाहिए तो आप डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन करेंगे, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके ओके, चलिए। हैव अ नाइस डे सर। यू टू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।